हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमटीवी किचन। आज हम बनाएंगे गोभी के सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी कोफ्ते की रेसिपी। आप इसे गोभी मंचूरियन करी भी कह सकते हैं। बहुत ही टेस्टी रेसिपी रेडी होती है ये। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने 1 कप गोभी ली है, इसको फाइनली चॉप कर लिया है। इसमें 2 बड़े चम्मच बेसन ऐड करा है मैंने। धनिया पत्ती ऐड कर देंगे। धनिया पाउडर ऐड कर देंगे। नमक ऐड कर देंगे। लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। थोड़ा सा मैं यहाँ हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें इसमें पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये देखिए बाइंड होने लगा है थोड़ा। अब मैं इसके कोफ्ताज बनाऊंगी। आप किसी भी शेप के कोफ्ते बना सकते हैं, मैं राउंड शेप में बना रही हूँ। ये देखिए ऐसे। ये मेरे सारे कोफ्ते रेडी हैं। अब हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। मैंने गोभी को चॉपर में चॉप किया था, आप इसको कद्दूकस भी कर सकते हैं। इनको हल्का ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। ये देखिए कोफ्ते पे हमारे कलर आना शुरू हो गया है। इसको टर्न करते हुए चारों ओर से अच्छी तरह सेक लेंगे। आप इसे ऐसे भी एज अ स्नैक भी खा सकते हैं। बहुत बढ़िया रेसिपी रेडी होती है ये। ये देखिए हमारे कोफ्ते रेडी हैं, बहुत अच्छा कलर आ गया है। अब मैंने गैस ऑफ कर दी है। इन्हें मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी। ये देखिए गोभी के कोफ्ते आप टी टाइम में भी खा सकते हैं और इसकी सब्जी भी बहुत बढ़िया रेडी होगी। अब एक कढ़ाई में मैंने कुकिंग ऑयल लिया है, 1 चुटकी हींग, तेज पत्ता और दालचीनी का टुकड़ा डाला है। जीरा डाल देंगे। अभी फाइनली चॉप्ड अनियन है। अनियन को ब्राउन होने तक भूनना है हमने। ये देखिए अनियन का कलर आ गया है अच्छा। अब इसमें अदरक और हरी मिर्च ऐड कर देंगे। लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। हल्दी पाउडर डाल देंगे। धनिया पाउडर डाल देंगे। नमक ऐड कर दिया मैंने। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें टमाटर प्यूरी ऐड कर रही हूँ। अब हमें मसाले को भूनना है अच्छे से। मैं इसे ढक के 2 से 3 मिनट तक रख दूंगी। ये देखिए मसाला हमारा पक चुका है, घी भी सेपरेट हो गया है। अब मैं इसमें 1 कप मटर ऐड कर रही हूँ। मटर ऑप्शनल है बट इससे टेस्ट और कलर हमारी ग्रेवी में बहुत अच्छा हो जाता है। अब इसमें 1 बड़ा गिलास पानी ऐड कर देंगे। अब हमें ग्रेवी को पकाना है अच्छे से। अब मैं इसे ढक के 10 मिनट तक रख दूंगी। ये देखिए 10 मिनट के बाद हमारी ग्रेवी पक चुकी है अच्छे से, मटर भी सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें अपने कोफ्ताज डालेंगे। मैंने धनिया पत्ती डाली है इसमें। अब कोफ्ते डाल देंगे। ये देखिए बहुत अच्छा कलर आया है हमारी सब्जी पे। यहाँ पर मैंने किचन किंग मसाला डाला है, आप गरम मसाला भी डाल सकते हैं। अब मैं इसे ढक के 5 मिनट तक और रख दूंगी मीडियम फ्लेम पे। ये देखिए 5 मिनट हो चुके हैं, कोफ्ते हमारे काफी जूसी हो गए हैं, इन्होंने तरी को अब्सॉर्ब कर लिया है। सब्जी हमारी रेडी है, अब हम इसे सर्व करते हैं।
ये देखिए बहुत अच्छा कलर आया हमारी सब्जी पे, इट्स रेडी टू ईट। ये गोभी के कोफ्तों की सब्जी आपको बहुत पसंद आएगी, आप भी इसे जरूर ट्राई करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग MTV किचन।